प्यार के कारण कुछ लोग रोते हैं तो प्यार के कारण कुछ लोग हंसते हैं, प्यार में किसी को गम मिलता है तो प्यार में किसी को हैप्पीनेस मिलती है, खुशियाँ मिलती है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्यों प्यार में हर किसी को खुशियाँ नहीं मिलती, प्यार में खुशियाँ उन्हीं को मिलते जो कुछ खास बातों को जानते हैं, कुछ सीक्रेट को जानते हैं, और यही सीक्रेट इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि प्यार रिलेशन एक युद्ध से कम नहीं है, ये जंग से कम नहीं है, इसमें हर बार वो इंसान जीतता है जो रणनीतियाँ जानते हैं, बेहतर से बेहतर रणनीतियाँ। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, आपको हर रिलेशन में इन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, इनको अप्लाई करना चाहिए, तभी आपको रिलेशन में कभी गम नहीं दिखाई देगा, लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहली बात, कभी भी आपको अपने पार्टनर को ओवर टाइम नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब कि हमेशा अपने पार्टनर के लिए आपको ऑलवेज नहीं रहना है। जब आप किसी को प्यार करते हो तो उनके साथ बातें करना, उनके साथ जुड़े रहना आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये एक खतरा हो सकता है आपके रिलेशन के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर हमेशा आपको प्यार करे, हमेशा आपको पसंद करे। देखो दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऊपर से देखने में कोई बुराई नहीं कि हमेशा आप अपने पार्टनर के साथ रहो, लेकिन क्या होगा कि जब वो चाहे वो आपको कॉल कर सकता है, जब वो आपको मैसेज करे आप फटाक से रिप्लाई दे दें, यानी कि आप तक पहुंचना आसान हो जाता है। आप खुद सोचिए कि जिस चीज़ों के लिए आप बहुत ही जल्दी उन तक पहुँच सकते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए कभी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी, पहले जितनी तो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। तो आपके पार्टनर के लिए थोड़ा मुश्किल होना चाहिए आप तक पहुंचना, तभी उनका इंटरेस्ट हमेशा आप में बना रहेगा, अगर एक चीज़ का भी आप ख्याल रखते हो तो। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मेरे जानू का मैसेज है, मेरे सोनू का मैसेज है, फटाक से उनके लिए रिप्लाई दे देते हैं, उनके लिए तैयारी बैठे, कभी भी किसी चीज़ के लिए उनको मना नहीं करते। तो आपके अपने पार्टनर को ये दिखाना चाहिए कि आप बिजी हो, आप इतने आसान नहीं हो कि हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो। अब इसका कोई ऐसा मतलब नहीं कि आपको उनको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन आपको उनको ऐसा शो ऑफ करना चाहिए कि आप थोड़े से बिजी हो, आपकी एक पर्सनल लाइफ है। सिर्फ एक बात से आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। दोस्तों प्यार की हार और जीत इसी बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने पार्टनर को अपने इमोशन किस तरह से शो करते हो। देखो रिलेशन में क्या होता है कि जो इंसान पहले अपने इमोशन शो करता है वो हमेशा नीचे ही रहता है। सामने वाले पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस इंसान को मेरी ज़रूरत है। तो क्या हमें कभी भी अपने पार्टनर के सामने अपने इमोशन शो नहीं करने चाहिए? करने चाहिए, लेकिन वो तब जब कभी आपका पार्टनर अपने इमोशन आपको सामने से शो करता है। आपको उनको आई लव यू और ऐसे वर्ड तभी बोलने चाहिए जब वो रियल में ये सारी चीज़ें सुनने के लिए तड़पे। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, आप खुद को महसूस हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं मुझे और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आई लव यू। देखो ये पहली बार आपने वर्ड सुना तो आपको कैसा महसूस हुआ वो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको दूसरी बार बोलता हूँ आई लव यू, तीसरी बार आई लव यू, चौथी बार आई लव यू। आपने नोटिस किया होगा कि जब पहली बार मैंने बोला था तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, कितना लगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बार बार मैं अगर आपको अपनी फीलिंग्स शो करूँगा तो धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट होगा कम होता जाएगा। पहली बार बोला था उसका जो इम्पोर्टेंस था वो ज़्यादा था, लेकिन बार बार बोलने से चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंस खो देती है। इसलिए हमेशा इन चीज़ का ध्यान रखो कि कब आपको अपनी फीलिंग अपने पार्टनर को शो करनी है। हमेशा बताते मत रहो कि तेरे बिना जी नहीं सकती, तो उनको ये लग जाएगा कि आप उसके लिए सिर्फ सिर्फ पागल हो, तो आपको वैल्यू वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। उससे भी एक बड़ी बात कि आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हो। आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको पसंद करे, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, लेकिन आपको खुद को अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप अपने आप को पसंद करते हो, आप खुद अपने बारे में कैसा महसूस करते हो। अगर आपको आप खुद पसंद नहीं है तो दोस्तों दूसरों से अपेक्षा भी मत रखना कि लोग आपको प्यार करें या आपको पसंद करें। लेकिन आप कहोगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आप को पसंद करते हो या नहीं करते हो? इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को पसंद नहीं करते तो ये आप में दिखेगा। आप अपने आप को पसंद करते हो तो हमेशा आप अपने आप को रेडी रखोगे, हमेशा आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होगे, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप को पसंद करते हो। आपके व्यवहार में, आपकी लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें झलकेगी जो लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते तो निराश होकर अपना मुंह लटकाए इधर उधर घूमते तो ये लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे। ये तो बिल्कुल आपके लिए एक जादू जैसा है। जब तक आप अपने आपको पसंद नहीं करते लोग इतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आपको प्यार नहीं करते लोग आपको उतना ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे। तो पहले अपने से शुरुआत करो, लोग तो अपने आप आपको प्यार करेंगे। लास्ट और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक चौथा हमारा राजी है कि आपको अपने लुक के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे हम बात करते हैं कि लुक मैटर नहीं करता रिलेशन में या वहाँ, प्यार तो दिल से होता है, ये सारी बातें सही, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अपने लुक का इसलिए ध्यान रखना चाहिए ताकि लोगों का आपके ऊपर ध्यान पड़े, लोग आपको कुछ गलत ना समझे आपके बारे में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने बाजार में जा रहे हो, उसका पैकिंग ही बोगस है तो आप उसे नहीं खरीदोगे, भले उसके अंदर
जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी, लेकिन उसका पैकिंग ही अच्छा नहीं, तो आप उसको नहीं खरीदोगे, उसकी संभावना 70% बढ़ जाती। तो आपको अपने दिखावे को अपनी पैकिंग की तरह अच्छा ही शो करना इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम समराइज करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमेशा अवेलेबल ना रहो, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि कब आपको अपनी फीलिंग शो करनी है, नहीं करनी है। तीसरी चीज़ कि सबसे पहले आप अपने आप को पसंद करो, अपने आप को प्यार करो। और चौथी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कैसे दिखते हो, अपने आप को कैसे आप दिखा रहे हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करो, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करो। वीडियो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। थैंक यू सो मच। मीकु ई वीडियो नच्चिनट्लयिते लाइक चेयंडि, शेयर चेयंडि, सब्सक्राइब चेयंडि। रेगुलर नोटिफिकेशन्स कोसम बेल बटन ने प्रेस चेयंडि।